हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी लैंग्वेज के मेन फैक्ट। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस क्लास को देख लेते हैं तो आपका एक प्रश्न 100% फिक्स है। आज से मेरी जितने भी हिंदी लैंग्वेज की टॉपिक वाइज वाली क्लास आया करेगी, उससे आपका जो है हर एक क्लास से एक प्रश्न फिक्स है। ठीक है, अगर आपको वाकई में गवर्नमेंट सीट लेना है तो आप लोग सीरियस हो जाइए, पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम डेली 6 से 7 घंटा स्टडी करें, और ये जो हिंदी की टॉपिक वाइज जो क्लास आया करेगी, हर एक प्रश्न को आपको नोट करना है। इसमें जो है, इस क्लास में मैं 33 प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, 33 के 33वें प्रश्न को आपको नोट करना है, रिवीजन करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। सबसे पहला प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। किसी भी क्वेश्चंस में मुझे जो है इंपॉर्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है निचोड़ है, हिंदी लैंग्वेज का निचोड़ है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये जो है भारोपी परिवार की भाषा है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आप लोग आंसर भी देते चलेंगे। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, कौन सी वो भाषा है जो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है? तो वो भाषा है हिंदी। ठीक है, भारत में जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे? अपभ्रंश से, या लौकिक संस्कृत से, या पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से? किसका जन्म हुआ है हिंदी भाषा का, ये आपको बताना है। तो देखिए, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। किससे? अपभ्रंश से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये मैटर टाइप करने में बहुत समय लगा है। ये आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक करने में आपका क्या जाता है। ठीक है, अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाएं। इससे अच्छा कंटेंट आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु? बीएड 1998 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सी वो बोली है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो है तेलुगु, जो कि हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में, या तकनीकी भाषा के रूप में, या राष्ट्रभाषा के रूप में, या काव्य भाषा के रूप में? किस भाषा के रूप में है, ये आपको बताना है। तो ये जो है काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप जो है किस वर्ग में रखेंगे? सभी लोग जवाब दीजिए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा, किस भाषा में रखेंगे आपको बताना है। तो भारतवर्ष में हिंदी को जो हम रखेंगे वो रखेंगे राजभाषा के वर्ग में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं, ठीक है, गलती नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, दुधाड़ी बोली जाती है कहाँ? दुधाड़ी बोली कहाँ की है, ये आपको बताना है। तो ये है पूर्वी राजस्थान की बोली है दुधाड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बोली है, पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसकी आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी मेहनत करें। ठीक है, नोट करते हुए चलें, या तो बाद में नोट कर लीजिएगा। बाद में नोट करने का समय आपके पास नहीं रहेगा, समय आपके पास कम है। ठीक है, तो नोट करते हुए चलें। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला, क्या जानी जाती है आपको बताना है। तो ब्रज बोली नाम से जो जानी जाती है वो जानी जाती है पुरानी बांग्ला। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ज़्यादा डीप में भी आपको नहीं जाना है। ठीक है, जितने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अगर आप लोग इतने क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो हिंदी में अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, डेली क्लास आप लोग देखा करें जरूर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है?
तो मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे बी गलती से टाइप हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कम किए दे रहा हूँ। प्रश्न क्या है कि एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बकरा लागत होए तवन, हमको दे दा, यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? भोजपुरी, या कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली, ये कौन सी बोली है आपको बताना है। तो ये जो है अवधी भाषा में है, अवधी भाषा सॉरी बोली बोली में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से, या खरुष्टी लिपि से, या कुटिल लिपि से, ब्राही लिपि से? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो हुआ है ब्राही लिपि से। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपका हिंदी और जीके का सिलेबस पूरा करवाऊंगा 100%, बट थोड़ा टाइम तो आप लोग जानते ही हैं कि बहुत कम समय है, ठीक है। तो लगभग लगभग मान के चलिए कि आपका जो है जुलाई तो लग ही जाएगा, इधर तो हो ही नहीं पाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो जुलाई लग जाएगा। अगर आपको खुद से कंप्लीट करना है कि हम खुद से कंप्लीट कर लें और आपके द्वारा भी पढ़ते रहें, ऐसे ही हमारा रिवीजन भी होते रहें, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। इस क्रैश कोर्स से अपना जो है अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मात्र 149 रुपये में आप लोग घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये सभी वर्गों के लिए है ये कोर्स, ठीक है। इसमें आपको 10 वर्षों के हेल्प प्रश्न पत्र मिलेंगे, जीके जीएस हो गया, सारे के सारे चैप्टर वाइज मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका हिंदी लैंग्वेज हो गया एंड रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी की क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप लोग इससे तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वाकई में लेना है, गवर्नमेंट सीट लेना है, आप लोग सीरियस हैं, तो कोर्स परचेज कर लें, 149 रुपये कुछ भी नहीं होता। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछेगा, उसके बाद आपसे पेमेंट को मांगेगा। पेमेंट करने के बाद जस्ट आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, उसी के ऊपर आपका जो है पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड की स्क्रीनशॉट ले लेना है। थैंक यू। आगे चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी, बीएड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं ये सभी। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी, या आगे देख सकते हैं पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी? तो वो है पूर्वी हिंदी। कौन सी? पूर्वी हिंदी है। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो बुंदेली तो है, ब्रज भी है, कन्नौजी भी, बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये मान के चलिए जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये सबसे फर्स्ट टॉपिक है, मेन फैक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, मुख्य तथ्य बोल सकते हैं हिंदी भाषा के। इससे एक प्रश्न आपका फिक्स है, एग्जाम में जब आप लोग जाएंगे खुद ही आप लोग एनालाइज करेंगे कि हाँ वहाँ से हम लोग पढ़े थे और यहाँ पे क्वेश्चंस आ गया है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? कई बार आपको मैं बताया हूँ, तो ये है अनुच्छेद 343 से 351 तक। ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका जो सही अनुक्रम है कौन सा है, सभी लोग जवाब दीजिए, वो है पहले प्राती है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, हिंदी है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
वीडियो को लाइक अगर आप लोग नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो सभी लोग जवाब दीजिए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 351 में जो है जो वर्णन है वो वर्णन है आपका जो है हिंदी के विकास के लिए निर्देश का। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा जो कौन सी हिंदी है आपको बताना है, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो ब्रजभाषा देखिए जो है पश्चिमी हिंदी है, कौन सी? पश्चिमी हिंदी है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब दीजिए, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही देखिए जो है बिहारी उपभाषा की बोली है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सभी लोग जवाब दीजिए, तो हिंदी खड़ी बोली जो है शौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको टॉपिक वाइज की जीके की मिल जाएगी क्लास, ठीक है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी कब? और ऑप्शन देख सकते हैं, तो ये की गया था 1956 में। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी जीके में भी आपको देखने को मिल सकता है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो वो है पंजाब, सॉरी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का जो संबंध है वो है पूर्वी हिंदी से। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो ये निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और भी ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तो कौन थे प्रथम अध्यक्ष ये आपको बताना है। तो वो थे बीजी खेर, कौन थे? बीजी खेर थे। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये सभी को याद ही होगा, बिल्कुल रट गया होगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, कौन सी है? संस्कृत। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा था? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा था? वो था न्यूयॉर्क। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं, तो सभी लोग जवाब दीजिए, भारोपी परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो देखिए मलयालम, मलयालम जो है भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर। तो ये क्वेश्चंस मैं पहले भी करवा चुका हूँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन भी है और इसका जवाब भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब देते रहे हों तो आप लोगों के जितने भी प्रश्न इसमें से सही भी हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताएगा। कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है बीर से संबंधित, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं या मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की यूजर आईडी है FT साहिल, ये आप लोग सर्च करेंगे तो मेरी यूज़र आईडी खोल के आ जाएगी प्रोफाइल, ठीक है। और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, तो आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं। तो ये क्लास आपको कैसे लगी? हर एक क्लास को देखना है आपको, समय आपके पास बहुत कम है, फ्री सीट लेना है तो सीरियस हो जाइए, ठीक है। स्टडी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, कम से कम 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई को समय दें। तो मिलते हैं अगली क्लास पे, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और हाँ देखिए, 3 क्लास, ये 3री क्लास है आज की, और भी जो है जो क्लासेस आएंगी उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको चैनल पे एक बार विजिट कर लेना है, ठीक है, ताकि कोई भी क्लास आपसे ना छूटे। थैंक यू, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।